यदि आप भी इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आज के इस नए वीडियो में हम जानने वाले हैं इंडसइंड बैंक के ऑफिशियल एप्लीकेशन पे किस तरीके से आपको फर्स्ट लॉगिन करना है। इस एप्लीकेशन से आप बहुत सारे काम घर बैठे ही कर सकते हैं। आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं या फिर ट्रांजेक्शन्स को ट्रैक कर सकते हैं, EMIs को चेक कर सकते हैं, काफी सारे काम कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर से इंडस मोबाइल का ये डिजिटल बैंकिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है, जैसा कि मैं इधर इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है प्ले स्टोर पे, और आपको हमेशा नया एप्लीकेशन ही डाउनलोड करना चाहिए। अपने प्ले स्टोर से पहले से डाउनलोड किया है तो उसे अपडेट कर लेना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के साथ साथ आप देख सकते हैं, इससे पहले अगर आपने किसी और मोबाइल में भी इसे इंस्टॉल किया था तो उसका भी डिटेल देखने को मिल जाएगा। एक से ज्यादा मोबाइल में आप सेम एप्लीकेशन को सेम यूजर आईडी को यूज करते हुए इस्तेमाल कर सकते हो। प्राइमरी जो आपका मोबाइल नंबर होगा वो आपको एप्लीकेशन को बताना पड़ेगा कि आपका कौन सा डिवाइस प्राइमरी है, जो कि आज सारा कुछ हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, अब हम इसे ओपन कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस है आपको देखने को मिल रहा है। अब आपको कुछ परमिशन मांगेगा, चूंकि हम पहली बार इसे इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको भी परमिशन दे देना है। परमिशन नहीं देंगे तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कुछ टर्म एंड कंडीशंस देखने को मिल जाएंगे, गाइडलाइंस देखने को मिल जाएंगे। एक एक करके आप पढ़ सकते हैं, इनकी गाइडलाइंस काफी बड़ी देखने को मिल रही है। हालांकि बैंकिंग में आप देखते हैं तो क्रेडिट कार्ड हो या फिर कोई सा भी हो, सभी के गाइडलाइंस काफी ज्यादा बड़ी होती हैं, और आपको सभी गाइडलाइंस को एक एक करके पढ़ लेना चाहिए। अगर आप एग्री हैं तो आपको यहाँ पे आई एग्री वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है, और आप एग्री नहीं है और आई एग्री पे सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आप प्रोसेस ही नहीं कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे आई एग्री पे सेलेक्ट कर दिया है और उसके बाद से कंफर्म कर देंगे। उसके बाद से अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर के आ जाएगा। आप देख सकते हैं, वेलकम टू इंडसइंड बैंक। अब यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो भी आपने क्रेडिट कार्ड में दिया हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अप्लाई नाउ फॉर अदर प्रोडक्ट्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट्स के लिए कर सकते हैं, या फिर पर्सनल लोन के लिए कर सकते हैं, या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए कर सकते हैं, या फिर अगर क्रेडिट कार्ड अभी तक नहीं है आपके पास तो ऑनलाइन अप्लाई यहां से कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे किस तरीके से अदर सर्विसेज का लाभ उठाते हैं, इसके लिए अलग से हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाए हैं, वो वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा कुछ बात करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंथी बन जाएगी। अब चूंकि यहां पे हमने अपना कॉन्टेक्ट नंबर एंटर कर लिया है, उसके बाद रजिस्टर एंड लॉगिन वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर देंगे। अब यहां पे आपको देखने को मिल रहा है रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन, और यहां बताया जा रहा है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर नहीं है इंडस मोबाइल वाले एप्लीकेशन पे, और इसलिए आपको इन ऑप्शंस को सेलेक्ट करके रजिस्टर कर लेना है। तो चूंकि क्या आप एक सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो यहां पे सेलेक्ट कर देंगे, और यदि आप नहीं खुलवाना चाहते हैं, देखिए ये थोड़ी देर अगर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो गायब हो जाएगा, जैसा कि अभी हमारे समय में गायब हो गया था। तो आप देख सकते हैं कि आप अगर बैंक अकाउंट नहीं ओपन करवाना चाहते हैं, रजिस्टर करना चाहते हैं, लॉगिन करना चाहते हैं, तो इस पे आपको सेलेक्ट करना है। अब उसके बाद से पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास लॉगिन का आईडी है, यूजर आईडी है, आपने क्रिएट किया हुआ है, नहीं क्रिएट किया है, पहली बार है, तो आपको इस पे सेलेक्ट करना है, इस वाले ऑप्शन पे, और उसके बाद से आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नेट बैंकिंग के माध्यम से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड के, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, या फिर ये सारे ऑप्शन दिए हुए इनके माध्यम से आप करना चाहते हैं। तो आज के इस नई वीडियो में हम क्रेडिट कार्ड के बारे में जान रहे हैं, तो इसलिए क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना कार्ड नंबर एंटर कर लेना है, जो भी आपका कार्ड नंबर है पूरा एंटर करेंगे, आपका एक्सपायरी डेट जो भी है वो एंटर करेंगे, ईयर एंटर करेंगे, CVV नंबर एंटर करेंगे, और डेट ऑफ बर्थ आपको यहां से कैलेंडर से चूज कर लेना है। देखिए कैलेंडर से चूज कर लेंगे, ईयर और मंथ जो भी है आपका वो सेलेक्ट कर लीजिए, यहां से मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद से डेट सेलेक्ट कर लीजिए, और आपको यहां से सबमिट कर देना है और अपना यूजर आईडी क्रिएट कर लेना है। चूंकि हमने लास्ट वीडियो में जाना था किस तरीके से आपको यूजर आईडी क्रिएट करना है, और हमने यूजर आईडी क्रिएट भी कर लिया है, तो इसको हम बैक कर देंगे। तो चूंकि हमारे पास यूजर आईडी क्रिएट हो चुका है, तो अब हम इस वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर देंगे, है यूजर आईडी। अब उसके बाद से यहां पे बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पे अपना यूजर आईडी जो आपने क्रिएट किया था वो एंटर कर लेना है, और अगर आपने किसी और से कराया था या फिर आपने ही किया था लेकिन आप भूल चुके हो तो आप यहां से फॉरगेट भी कर सकते हो। देखिए फॉरगेट यूजर आईडी का ऑप्शन दिया है, क्लिक हेयर करके फॉरगेट कर सकते हो। फॉरगेट कैसे करना है इसका स्टेप बाय स्टेप ऑलरेडी डिटेल वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है,
चैनल पे भी अपलोड कर दिया है, वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमने यूजर आईडी एंटर कर लिया है, उसके बाद से नीचे की साइड आ जाएंगे, सबसे नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा लॉगिन का ऑप्शन। तो यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंडसइंड बैंक, और यहाँ पे आपका जो भी यूजर आईडी था उसका कुछ डिजिट देखने को मिल जाएगा, लेटर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको अपना एम पिन एंटर कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, एम पिन अगर आप भूल चुके हैं जो 6 डिजिट का होता है, तो आप यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं, फॉरगेट एम पिन। अब चूंकि हमें याद है तो हम यहाँ पे अपना एम पिन एंटर कर लेते हैं, आपके केस में भूल चुके हैं तो फॉरगेट कर लेना। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हमने एम पिन एंटर किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेस हो रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ओटीपी आ चुका है, और ओटीपी ऑटोमेटिक वैसे वेरीफाई हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ओटीपी आपको एंटर करना है। अगर आपका ओटीपी ऑटोमेटिक वेरीफाई नहीं हो रहा है तो आपको एंटर करना है। देखिए उल्टी गिनती चालू हो चुकी है, रीसेंड कर सकते हैं अगर ओटीपी नहीं आया है तो देखिए फिलहाल में हमारे पास ये ओटीपी आ चुका है, हमने सेलेक्ट किया है, और ये ओटीपी ऑटोमेटिक फिल भी हो चुका है, और हम यहाँ से सबमिट कर देंगे। जी आपने देखिए, सबमिट हमने कर लिया है। अब यहाँ पे चूंकि पूछ रहा है कि भैया क्या ये वाली डिवाइस प्राइमरी है, तो हाँ ये वाली प्राइमरी हम रखने वाले हैं जिसमें सब नोटिफिकेशन आएगा, यस हमने कर दिया है। उसके बाद से यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या आप सेट करना चाहते हैं अपना फिंगरप्रिंट, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो नो कर सकते हैं। अभी फिलहाल में हम यस कर लेते हैं और यहाँ से फिंगरप्रिंट अपना कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, तो हम देख लेते हैं, अगर नहीं होता है तो बाद में कर लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। देखिए फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइज हो चुका है, सक्सेस हो चुका है। यहाँ पे अब देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक लॉगिन भी हो जाएगा। देखते हैं कि कितना टाइम लगता है लॉगिन होने में, क्योंकि यहाँ पे फिंगरप्रिंट तो सक्सेस कर लिया है। अब देखते हैं, यहाँ नीचे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, अभी कितना टाइम लगता है इसको होने में, या फिर हमें बैक करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे काफी टाइम वेट कर लिया है, अब हम इसे बैक कर लेंगे, यहाँ से बैक कर लेंगे, और उसके बाद से यहाँ पे दोबारा से पूछ रहा है, इस बार हम नो कर देते हैं। चलो यहाँ पे हम देखते हैं, थोड़ा एरर आ रहा है, कभी कभी एरर आता है, हमने बात भी किया था कि बीच बीच में एरर भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, सॉरी वी कुड नॉट प्रोसीड योर रिक्वेस्ट करेंटली, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। कुछ यहाँ पे एप्लीकेशन में एरर मैसेज देखने को मिल रहा है, इसलिए ऐसा बोल रहा है, तो हम इसे बैक कर लेते हैं और दोबारा से देखते हैं, इस बार और ट्राई करते हैं, और नहीं होता है तो इस बार देखिए फ्रेंड्स, आपको करना कुछ नहीं है, सीधा बैक कर देना है। अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको 2-3 बार ये बैक कर देना है। देखिए आपको ये आर यू शोर लॉग आउट, तो लॉग आउट करना है, और इस एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं कि आप सफलतापूर्वक लॉग इन हो चुके हैं। देखिए लॉस्ट लॉग इन आपको देखने को मिल रहा है, कब इससे पहले आपने कब लॉग इन किया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहा है, फंड ट्रांसफर, भीम UPI, बिल पेमेंट, रिचार्ज कर सकते हैं, डिपॉजिट्स, कार्ड्स देख सकते हैं, यहाँ से जो भी आपके कार्ड्स हैं, पर्सनल लोन्स हैं वो देख सकते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट आपने किया है वो देख सकते हैं, आपका कार्ड का नंबर यहाँ पे देखने को मिल गया है, व्यू कार्ड बैलेंस आप देख सकते हैं यहीं से, देखिए कितना बैलेंस है। अब देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद से यहाँ पे लॉग इन करने का प्रयास करते हैं, इस बार हम लॉग इन कर पाते हैं कि नहीं देखते हैं, क्योंकि अब कभी कभी ये एप्लीकेशन में एरर देखने को मिलता है। और देखिए फ्रेंड्स, इस बार हम लॉग इन हो चुके हैं सफलतापूर्वक। देखिए पहली बार में यही इंटरफेस लॉग इन होना था, लेकिन लॉग इन नहीं हो पाए थे। हम इधर क्रॉस कर देंगे, कुछ यहाँ पे एड चल रहे हैं, बताया जा रहा है कि यहाँ मेनू है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कर लेंगे, ये सारा कुछ यहाँ बताया जा रहा है। सेविंग अकाउंट्स के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, अकाउंट्स का डिटेल्स कहाँ पे आपको दिखेगा, किस तरीके से नेक्स्ट कर देंगे। अब उसके बाद से ये जो फंक्शंस हैं, क्विक लिंक्स हैं, उनके बारे में बताया गया है, यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे। अब उसके बाद से यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये बॉटम में क्या क्या ऑप्शंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसके बारे में डिटेल्स में बताया गया है। अब आपको यहाँ से डन कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम फाइनली लॉगिन हो चुके हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चूंकि हम क्रेडिट कार्ड यूजर हैं, तो आपको देखने को मिल रहा है, आपका नाम देखने को मिल गया इधर, वेलकम आपका नाम देखने को मिलेगा, आपने किस टाइप का कार्ड इशू कराया है और उसका नंबर क्या है वो देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पे अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे कार्ड का डिटेल्स यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, देखिए कि आपकी जो लिमिट है वो कितनी है, अवेलेबल कैश लिमिट है वो कितनी है, पेमेंट आपकी कितनी ड्यू है, और कितना मिनिमम पेमेंट आपको करना है, टोटल आउट स्टैंडिंग आपका कितना है, टोटल कैश लिमिट कितना है, सब कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, स्टेटमेंट भी यहाँ से देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से पूरा
स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा कोई भी अनबिल्ड है तो। अब यहाँ पे प्रीवियस स्टेटमेंट भी आप देख सकते हैं, देखिए अभी अनबिल्ड ट्रांजेक्शन कोई भी नहीं है हमारे पास, लेकिन प्रीवियस ट्रांजेक्शन पे आप सेलेक्ट करेंगे तो जितने भी आपने टाइप के ट्रांजेक्शन्स किए थे वो सभी टाइप के ट्रांजेक्शन्स देखने को मिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप एक एक करके चेक कर सकते हैं कितना कितना पैसा आपका कहाँ कहाँ खर्च हुआ है और कब कब आपने पेमेंट किया है। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप और किया जाना चाहते थे जो कि मैं कवर नहीं कर पाया वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जल्द जल्द देने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।